में खबर झारखंड और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। झारखंड के अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर है, हेमंत सरकार अपने सालगिरह के मौके पर किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को किसान ऋण माफी योजना की सौगात देंगे। किसानों को हेमंत सरकार कर्ज माफी की सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को किसानों को ऋण माफी योजना की सौगात देंगे। इसके तहत किसानों के 50,000 तक के कर्ज माफ होंगे। इससे करीब 12 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में कर्ज माफी की योजना पर मुहर लगा सकती है। कृषि विभाग के स्तर पर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बैंकों से भी विभाग ने डेटा मंगवा लिए हैं। कमिटी ने अनुशंसा किया है 50,000 तक सभी किसान का, जो 12 लाख समथिंग किसान है, वो सबका 50,000 तक का जो लोन माफ किया जाए उसके लिए अनुशंसा करने का, लेकिन अभी प्रक्रिया बचा बचा हुआ है। कर्ज माफी की सौगात पर सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की दलील है कि किसान कर्ज में डूबे हैं। जितना कर्ज हम माफ करेंगे उतना कर्ज तो उनका कम होगा, फिर नए सिरे से कर्ज लेकर खेती बाड़ी कर सकते हैं, किसान ऋण मुक्त होंगे। जितना हम माफ करेंगे उतना तो कर्जा खत्म हो जाएगा, वो नए सिरे से लोन ले सकते हैं, नए सिरे से खेती बाड़ी कर सकते हैं, फ्री हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे, है ना। इन्हें है जैसे 2007-8 में हम लोग किए थे, भारत सरकार में यूपी की सरकार थी, लोन वेवर लाए थे, किसान खुश थे। किसानों के कर्ज माफी योजना पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की दलील है कि कोई भी अच्छे काम के लिए उसकी प्रक्रिया में समय लगता है, विभाग तेजी से काम कर रहा है, कर्ज माफी किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। हमने पिछली सरकार में बहुत सारे किसानों की आत्महत्याएं की बात आई, अभी तक हमारे सरकार में कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, और किसानों का कर्ज अगर माफ होता है तो किसानों के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटेगा और वो अपने काम में और ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। वहीं कर्ज माफी योजना पर पूर्व कृषि मंत्री ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अपने वादे से पलट गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2 लाख तक के कृषि ऋण माफ करेंगे, अभी सरकार सिर्फ 50,000 तक का ही माफ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी छत्तीसगढ़ जैसे हालात पैदा होंगे, कुछ का माफ होगा कुछ का नहीं। 50,000 में भी जो लोन माफी होगा उसमें भी मुझे लगता है कि संदेह है, उसमें भी जो है जितने भी 2,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किए गए हैं, और मुझे लगता है कम से कम 8,000 करोड़ रुपया चाहिए। झारखंड के जितने भी किसानों का लोन बकाया है 2 लाख रुपया तक का, 8,000 करोड़ रुपया कम से कम चाहिए, तभी लोन माफ हो पाएगा पूरा किसानों को। कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ में जो हालात हुई, मध्य प्रदेश में जो हालात हुई, वही हालात यहाँ भी होने वाले हैं। कुछ किसानों का माफ होगा कुछ किसानों का नहीं होगा। किसान ऋण माफी योजना अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत होगी। किसानों को अब 29 दिसंबर का इंतजार।